नाम जपण वाले सेवा करने वाले दे स्थान ते उन्हां दी याद दे बहाने सतगुरां दी पावन बाणी तुरकी बाणी उस अकाल पुरख दी कीर्ति करदी हुई बाणी दे कीर्तन राही करते पुरख नाल जुड़े हाँ। आप जी नूं मुबारक होवे इस गल दी। बड़े प्यार नाल भाई साहब भाई प्यारा सिंह जी आप जी नूं सतगुरां दी बाणी नाल जोड़ रहे सन। कुछ समां दास दा जो गुरु की बख्शिश नाल सेवा मिली है गुरु की बाणी राही अपने मन को समझाने की कोशिश करते हाँ कि जिस वाहिगुरु ने सानू सिरजिया उस दे नाल मन करके हमेशा जुड़े रहिए। उस दे भेजे हुए इस दुनिया ते आए हाँ। और एक दिन उस दे बुलावे ते हर एक नूं जाना पैना। जीवन विच की खटिया है की कमाया है इस दा लेखा जोखा सानू आप भी करना चाहिदा और करते पुरख ने भी करना है। क्या तैं खटिया कहां गवाया। तो जीवन दा जो लाह है कि मन निर्मल हो जाए मन कोमल हो जाए साढ़े अंदरों होमे अहंकार की वो दीवार दूर हो जाए जो परमात्मा और साढ़े दरम्यान दूरी पाती है। आओ जी सतगुरां की पावन बाणी राही इस मन को समझाने की कोशिश करते हैं। वाहे गुरु हे गुरु वाहे हाँ आया दूरों चल के मैं तकी तो सरनाए जियो मैं आसा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती ला नानक की प्रभ बेनती
अपनी भगती ला। हर राम नाम जप ला, 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 राम नाम जप ला, हर राम नाम जप ला, हर राम नाम जप ला। गत पावे सुख सहज आनंदा, गत पावे सुख सहज आनंदा, काटे जम के पा, काटे जम के पा, काटे जम के पा, काटे जम के पा, हर राम नाम जप ला, राम नाम जप ला, हर राम नाम जप ला, राम नाम जप ला। खोजत खोजत खोज बिचार्यो, खोजत खोजत खोज बिचार्यो, हर संत जाना पया, हर संत जाना पया, खोजत खोजत खोज बिचार्यो, खोजत खोजत खोज बिचारे, हर संत जाना पया, हर संत जाना पया, हर संत जाना पया, हर संत जाना पया, हर राम नाम जप ला, हर राम नाम जप ला, राम नाम जप ला, हर राम नाम जप ला। गत पावे सुख सहज आनंदा, गत पावे सुख सहज आनंदा, काटे जम के पा, काटे जम के पा, काटे जम के पा, काटे जम के पा, जप ला, राम नाम जप ला, हर राम नाम जप ला, राम नाम जप ला।
तिना परापत एह निदाना, तिना परापत एह निदाना, तिना परापत एह निदाना, तिना परापत एह निदाना। जिनका कर्म लिखा, जिनका कर्म लिखा, तिना परापत एह निदाना, तिना परापत एह निदाना। जिनका कर्म लिखा, जिनका कर्म लिखा, जिनका कर्म लिखा, जिनका कर्म लिखा, राम नाम जपला, हर राम नाम जपला, राम नाम जपला, हर राम नाम जपला, राम नाम जपला। से बड पागे से पतवंते, 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 से पूरे सा, 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 से पूरे सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक, सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक, सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक, सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक। जिन हर हर नाम विसा, जिन हर हर नाम विसा, हर हर नाम विसा, जिन हर हर नाम विसा, जिन हर हर नाम विसा, राम नाम जपला, हर राम नाम जपला, राम नाम जपला, हर राम नाम।
सुख सहज नंदा गत पावे, सुख सहज नंदा गत पावे, सुख सहज नंदा गत पावे, सुख सहज नंदा काटे जम के पाहा, काटे जम के पाहा, काटे जम के पाहा, काटे जम के पाहा, हर राम नाम जप लाहा, राम नाम जप लाहा, हर राम नाम जप लाहा, राम नाम जप लाहा, भाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर ले चलो, सहो देखे पतिया। भाई रे राम कहो चित लाए, उस परमात्मा दा नाम चित करके लिए, हर जस वखर ले चलो, ये हकीकत है ना कि असी आए हाँ ते वापस भी जाना है। जिदे कोल जाना बहुत वड्डा है और उसकी बख्शिश है कि उसने सानू अपनी कुदरत देखण वास्ते इस दुनिया ते भेजिया, ये शरीर दिता, अखां दित्तियां, हाथ पैर दिते, जा मेरी कुदरत दा आनंद माण, उसकी रहमत है, कृपा है उसकी। जो लोग इस वाहिगुरु की इस बख्शिश की कदर करते ने, सत्कार करते ने, उस दी कुदरत नूं विगाड़दे नहीं, संवारदे ने, उस दे भले दी गल करदे ने, उस दी सेवा दी गल करदे। तो बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो उस दी कुदरत नूं विगाड़दी, उस दे जीआं नूं तंग करदी, उस गल नूं समझदे नहीं कि सानूं परमात्मा ने खूबसूरत एक मौका दिता है कि जहां मैं जो कीता देख के आ। असीं देखण आए हाँ तो मालक बन बैठे। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी भी कहते देखण आयो जग तमाशा, देखण ते आए सी, परमात्मा ने भेजिया कि जा देख मैं की बनाया, बड़ा सोहना बनाया तू देख, ते असी मालक बन बैठे। पर जेडे मालक दे सेवक बन के रहिंदे ने, वो दुनिया की सेवा करते ने, उन्होंने पता है कि विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगह बैसण पाईए, जाना उस वाहिगुरु कोल वापस जाना, तो उसका शुक्र करना जाके कि शुक्र है परमात्मा तुसी बड़ी सोहनी दुनिया बनाई, इन्नी कमाल की कुदरत बनाई, असी देख के आए हाँ, तुहाडा शुक्र है। तो बहुत वड्डा, जदों असी किसी बहुत वड्डे कोल जाने तो कुछ नजराना लैके जाने, कुछ भेटा लैके जाने। होर तो असी कुछ लैके जा नहीं सकते क्योंकि लैके आए कुछ नहीं, सारा कुछ इत्थे सी, मौजूद सी जदों असी आए, सब कुछ इस दुनिया च पहला पाया परमात्मा दे, लै के कुछ नहीं आए सी, ते लै के जाना भी कुछ नहीं। पर सतगुरु आखते ने हर जस वखर लै चलो, उसकी सिफत सलाह, उसका नाम, उसका शुकराना, शुक्र का नजराना लैके जाइए, फिर की होएगा, शौ देखे पति आए, पति आ के प्यार नाल, वो परमात्मा सानू प्यार नाल देखेगा कि वाह पुत्रा मैं तैनू जिवें भेजिया सी तू उंजदा ही बन के आया।
इन्नी की गल समझ लईए कि सानू वाहिगुरू ने आप भेजे अपनी कुदरत नू देखण वास्ते, देख के उसका शुक्र शुक्र करते जाइए, शुक्र शुक्र करते आए हाँ। मालक ना बनीए बल्कि मालक वास्ते जो कुछ लिजा सकते हैं नजराना लैके जाइए। तो बड़ा प्यारा शब्द सतगुरु आखते ने, जिहड़े इत्थे आण के खोटे हो जाते हैं फिर वापस वो खजाने च नहीं पैंदे। खोटे पोता ना पवे, पोता मतलब खजाने, तिन हर गुर दर्शना होए फिर उस परमात्मा दे नेड़े नहीं होंदे, उन्हां नूं कुछ नहीं लभदा। तो बड़ा ही प्यारा शब्द आप जी मेरे नाल गाउंदे हो, फिर गाओ। पाई रे राम कहो चित लाए, पाई रे राम कहो चित लाए, राम कहो चित लाए, हर जस बखर ले चलो सहो देखे पतियाए, हर जस बखर ले चलो सहो देखे पतियाए, पाई रे राम कहो चित लाए, पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस बखर ले चलो सहो देखे पतियाए, हर जस बखर ले जिन्ना रास
तन खोटाओ आही फाथे मिर्ग जो दुख कणो नित रोए आही फाथे मिर्ग जो दुख कणो नित रोए पाई रे
राम सिमर पछताएगा मन। राम सिमर पछताएगा मन, जिन्हों असी मानते हाँ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वो ये गल आख रहे हैं। और उन्हों का तजर्बा उन्होंने दोनों जहान देखे ने अपनी सुरत राही उस करते पुरख के दरबार में देखिया, उसके असूलों में देखिया, उसके निजमों में देखिया। वो ये गल कह रहे हैं कि जेड़े रब का नाम नहीं लैणगे उन्होंने पछताउणा पएगा। जे बाणी आखदी तो फिर सिख नूं मनना चाहिए कि जिन्हां दा तजर्बा वो ये गल कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। कबीर साहब जी का पावन शब्द कि सब कुछ इत्थे रह जांदा, धन दौलत जोबन सब कुछ ये तो कागद ज्यों गल जाएगा। जो जम आए केस गह पटके तां दिन किछ ना बसाएगा। सब उन्हां दे तजर्बे ने और असी उन्हां नूं मनदे हाँ, रोज़ मत्था टेकदे हाँ। ये गल वक्री कि साड़ी ये हुण मानसिक हालत इहो जी हो रही है जां कर दित्ती जा रही कि असी बाणी तो दूर हुंदे जा रहे हैं, बाणी ते शंका करदे हाँ। जे तां जिन्नू असी मनदे हाँ फिर उन्हूं मनदे होइए फिर असी शंका क्यों करदे हाँ। बाणी ये भी गल कहिंदी कि सहसे जियो मलीन है, जिहदे अगे सीस झुकाउंदे हाँ उहदी गल ते विश्वास भी करिए। बाणी आखदी उस परमात्मा दा सिमरन कर ते कोई वजह ही है ना कि आखदी क्यों कर। जिन्हां दा तजर्बा है वो ये गल आखदे ने। अजकल बहुते मेरे वर्गे प्रचारक वो ने जिन्हां दा अपना तजर्बा कोई नहीं, बस वैसे ही सियाने बन गए ने। कोई वाहिगुरु करन दी जरूरत नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह करन दी जरूरत नहीं, बाणी पढ़िया करो इन्नी गल आखदे ने। सिमरन करन दी जरूरत नहीं, बाणी पढ़ो, बाणी दी विचार करो। बाणी दी विचार तां जरूरी है, कोई शक नहीं, पर ये बाणी किन्हां दी है? जिन्हां दी बाणी है उन्होंने बाणी उचारी कदों है? जदों उन्होंने अल्लाह अल्लाह किया, जदों उन्होंने राम राम किया, जदों उन्होंने वाहिगुरु वाहिगुरु किया, तां बाणी आई है। उन्होंने बाणी उचारी है और वाहिगुरु वाहिगुरु करके उचारी, तां ही सानू कहिंदे तुसीं भी वाहिगुरु वाहिगुरु करो, तुसीं भी अल्लाह अल्लाह करो। वो तो कह रहे हैं कि बाणी तो कहिंदी कि वाहिगुरु वाहिगुरु कर, तो सानू सिखाया जा रहा कि ना कर। हुण असीं तां गुरु नूं मन्नदे हाँ, असीं तां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मन्नदे हाँ। जे कहिंदे तो ठीक कहिंदे ने, बस पूर्ण भरोसा होवे, विश्वास होवे गुरु साडा जो आख रहा ठीक। जदों असी सीस ही झुका दिता तो उहदा मतलब यह हुंदा कि असी नहीं सियाणे हैगे, तुसी सियाणे हो, तुहानू असी मन्नदे हाँ, जिवें तुसी कहोगे उंज करांगे। तो मैं अक्सर बेनती करदा हुन्ना कि सब तो पहला सतगुरां ने यही गल आखी कि सहस सियाणपां लख होए तां इक ना चले नाल। जपजी साहब जी दे शुरू विच इह गल कही कि सियाणपां नहीं जांदियां, ते अखीर विच की किहा की जांदा है, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचा है धर्म हथौर। वो चंगियाईयां ते बुरियाईयां नाल जांदियां, सियाणपां इत्थे रह जांदियां। असीं अपने आप नूं इन्ने सियाणे ना समझिए कि लोकां नूं तोड़ना शुरू कर दईए। चंगे बनीए, अपनियां बुराइयां दा ध्यान रखिए, दूसरियां च नुक्स कढ़न दी बजाए। बहुत सारे वीर प्रचारक बड़े ही सियाणे हो गए ने और उन्हां दी शायद एक कोशिश है कि
गुरु ग्रंथ साहिब जी सिर्फ एक ज्ञान का ग्रंथ बन के रह जाण, इहदे च शरदा ना होवे, इहदे च भावना ना होवे, इहदे च प्यार ना होवे, इहदे च धर्म ना दी कोई चीज़ ना होवे, मनुख सिर्फ सियाणा होवे, सिर्फ सियाणा, उहदे च शरदा भावना ना दी कोई चीज़ ना होवे। एक कोशिश हो रही कि सिर्फ मनुख सियाणा होवे, ते सतगुरु कहिंदे सियाणपां नाल नहीं जांदियां, करिए की तुहाडी मन्नीए कि गुरु दी मन्नीए। चंगा होना बड़ा जरूरी है, और यह जरूरी नहीं कि कोई बहुत सियाणा होवे तो चंगा होवे, यह जरूरी नहीं। मेरी भी जिंदगी का तजर्बा, मैं बड़े बड़े सियाने लोगों फिलासफरां नूं पढ़िया लिखिया नूं मिलदा हाँ, बड़े विद्वान ने, गल करनगे बड़ी कमाल दी, पर यह जरूरी नहीं कि चंगा भी है। चंगा होना कुछ होर है, सियाणा होना कुछ होर है। तुहाडे भी आले दुआले तुहानू अपने परिवारां च बड़े पढ़े लिखे मिलणगे, बड़े पढ़े लिखे, पर जरूरी नहीं कोई चंगे होण। और बिल्कुल अनपढ़ आदमी होवे, बिल्कुल ही अनपढ़, वो बहुत चंगे हुंदे ने। चंगा होना बड़ा जरूरी है, निम्रता उहदे विच होवे, हलीमी होवे, प्यार होवे, भावना होवे, शरदा होवे, ये होना बड़ा जरूरी है। तो सतगुरु की बाणी सानू कुछ सिखाती है, मन राम सिमर पछताएगा। सारा शब्द असी गा के देखांगे, पापी जीए दा लोभ करत है आज कल उठ जाएगा, की गलत है जी, ठीक है, लाल चला गए जन्म गवाया माया परम भुलाएगा, ये भी ठीक है, तन जोबन का गर्भ न कीजे कागद ज्यों गल जाएगा, ये भी ठीक है, जो जम आए केस गए पटके तां दिन किछ ना बसाएगा, जे कबीर साहब कह रहे हैं तो ये भी ठीक होएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा, धर्म राय जब लेखा मंगे क्या मुख लैके जाएगा। ये नहीं कि अद्धा शब्द ठीक है तो अद्धा नहीं ठीक, जिस तक साड़ी पहुँच पैंदी वो ठीक है, जिस तक साड़ी पहुँच नहीं असी कहने है कि नहीं है। पर सिख उही है जो गुरु की गल ते भरोसा करे, विश्वास करे, भरोसे नाल यकीन नाल इस शब्द नूं पढ़िए और मन के चलिए कि कबीर साहब कह रहे ने कि पछताउणा पएगा जे वाहिगुरु का सिमरन ना कीता, उहनूं याद ना रखिया, उहनूं उस दी कुदरत विच्चों देखिया ना, तां पछताउणा पएगा। तो ठीक कह रहे ने, राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पापी पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर लालच लागे जन्म गवाया, लालच लागे जन्म गवाया, लालच लागे जन्म गवाया, लालच लागे जन्म गवाया, माया परम बुलाएगा, माया परम गर्भ ना कीजे, तन जोबन का
मन जो बन का गर्भ न कीजै, तन जो बन का गर्भ न कीजै, कागद जो कल जाएगा, कागद जो कल जाएगा, कागद जो कल जाएगा, राम से मर पछताए संगत तर जाएगा।
गुरमुख लाहा ले गए, गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो, मनमुख चले मूल गवाए जियो, गुरमुख लाहा ले गए, गुरमुख लाहा ले गए। जिन्हां ने गुरु की गल ते भरोसा है, जो गुरु नूं पुछ के जीवन जीउंदे ने, जो गुरु के हुक्म विच रहिंदे ने, जो गुरु की आग्ञा मनदे ने, ओह गुरमुख ने। जो अपने सियाणप ते अहंकार करते ने, जो मन की गल मानते ने, जो गुरु की गल ते शंका करते ने, बाणी कहिंदी वो गुरमुख नहीं है, वो मनमुख ने। बड़ी गल इस साखी मशहूर है कि गुरु नानक पातशाह जी ने पहले अपने पुत्रां नूं आख्या कि मुर्दा खाओ, तो कहन लगे पिता जी की गल कर दे, मुर्दा भी कोई खाने वाली चीज़ है। गल तो उन्हां दी ठीक सी, गल सियाणी सी कि मुर्दा भी भला खाने वाली चीज़ है। कहिंदे रहण दो पिता जी, असीं नहीं ये हुक्म मानते। तो गुरु नानक पातशाह जी ने भाई लहणा जी ने आख्या, भाई लहणा जी मुर्दा खाओ। तो जिहड़ा गुरु नानक पातशाह जी की गद्दी ते बैठना भला उन्हू अकल नहीं, वो नहीं सियाणा, वो तो बड़े ही सियाने ने, कितने ज़्यादा सियाने ने। जिन्होंने गुरु नानक पातशाह जी ने समझ लिया, जो सब ते वड्डा सतगुरु नानक, उन्होंने समझ लिया तो बहुत ही सियाने होंगे ना। तो भाई लहणा जी कहते हुक्म करो किधरों शुरू करा जी। गल गुरु दे हुक्म दी है, गुरु ने मनन दी है। जो गुरु ने जो आख्या वो सब ठीक है, जो भी आख दिता सब ठीक। जब एक बंदे ते असी जिम्मेवारी पा ही दी कि मेरे जीवन की जिम्मेवारी सतगुरु जी तुहाडे ते, जिमें चलाओगे चलोगे, मैनू पहुँचा दिओ बस। तो सतगुरु भी कहिंदे तो जे मेरे ते जिमें पाई है तो मैं तैनू पहुँचावांगा, बस तू जिमें मैं कहां हुंदे उंज चलदा रही। वो गुरमुख। गुरु अर्जन देव महाराज जी का शब्द है, कहिंदे हौं गुसाई का पहलवानड़ा, मैं अपने मालक का छोटा जिहा पहलवान हाँ, पर गुर मिल उच्च दमालड़ा, गुरु नूं मिल के मैं उच्चे दमालड़े वाला जो जितया पहलवान हाँ। हौं गुसाई का पहलवानड़ा, मैं गुर मिल उच्च दमालड़ा, सब होई छिंज इकट्ठिया दाए बैठा वेखे आप जियो। ये छिंज का तमाशा, जगत का तमाशा परमात्मा आप देख रहा,
वात वजन टमक पेरियां, इत्थे माया दे वाजे वजदे ने, मल लथे लेंदे फेरियां। पहलवान किन्ने? पंज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ते माड़ा बंदा उंज सोचदा, मैं तां बड़ा माड़ा जिहा पहलवान हां, पंजां नाल लड़ां, मैं तां जित नहीं सकदा, ये मेरी सियाणप है कि मैं जित नहीं सकदा, पंजां नाल मैं किवें लड़ सकदा, मैं तां इक नाल नहीं लड़ सकदा। हां, गुसाई दा पहलवानड़ा बड़ा छोटा जिहा, जिवें गरीब हुंदा ते गरीबड़ा बहुत ही कमज़ोर, मैं तां बड़ा ही कमज़ोर जिहा, ते पंजां नाल मेरा कोल। गुरु कहिंदा लड़, ते जे कोई मेरे वर्गा सियाणा हुंदा ते उह कहिंदा सतगुरु जी उह कमाल करदे हो, पंजां नाल मैं इक नाल नहीं लड़ सकदा, पर मैं उहदे हुक्म दा बज्जा जिवें आप जी दा हुक्म। ते नेते पंज जवान मैं नेतले, फिर मैं काबू कर ले, किवें? गुर थापी दित्ती कंड च, जो गुरु ने थापड़ा दिता कंड ते, फिर मैं फड़ ले ढाले, फिर इदा विश्वास की गल है, भरोसे की गल है। सब इकट्ठे होए आया कर जसन वाट वटाया। दुनिया ते सारे मनुख ही बन के आए हैं, वापस गए तो रस्ते बदल गए, गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मोल गवाए जी। उन्होंने समा गवा लिया, ये मनुखा दे ही गवा ली, हुण पता नहीं मिले कि ना मिले, पर गुरमुखां दे कोल जे मंजिल नहीं मिली तो ये वक्त है कि परमात्मा फिर उन्होंने अपने नज़दीक होने का मौका देगा। आओ जी इस शब्द में जुड़ने। गुरमुख लाहा लै गए, गुरमुख लाहा लै गए, गुरमुख लाहा चले मूल गवाए जियो, मनमुख चले मूल गवाए जियो, गुरमुख लाहा लै गए, गुरमुख लाहा लै गए, गुरमुख लाहा
सब इकट्ठे होए आया कर जा संग वाट वटाया सब इकट्ठे होए आया कर जा संग वाट गुरमुख लाहा गए मन मुख चले मूल गवाए जियो मन मुख चले मूल गवाए जियो गुरमुख लाहा गए गुरमुख लाहा गए गुरमुख सुन सुन तुझे ते आए दे तेरे भगत रते गुण तासियो तेरे भगत रते गुण तासियो गुरमुख लाल गए गुरमुख लाल गए गुरमुख गुर कटी मेहंदी जेवड़ी मैं जुग जुग दर सेवड़ी गुर कटी मेहंदी जेवड़ी हाँ बहुड़ छिम नानक औसर लता पाल जियो नानक औसर लता पाल जियो गुरमुख लाल गए गुरमुख लाल गए मन मुख चले मूल गवाए जियो मन मुख चले मूल गवाए जियो गुरमुख लाल गए गुरमुख लाल गए गुरमुख लाल गए गुरमुख लाल गए लाल गए लाल गए
मुख चले मूल गवाए जियो गुरमुख लाले गए गुरमुख लाले गए गुरमुख लाले गए वाहे गुरु करो सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला संत टहल की बेला गुरु नानक दा कर सानू इंसाना नू किन्ना प्यार करता है सतगुरु आखते ने करो बेनंती सुनो मेरे मीता जिन्होंने नाम जपया ना उन्होंने पता कितना कि जरूरी है सानू पता नहीं ना सानू कदर भी नहीं कबीर साहब तो कहते कि राम रस पिया जे रस बिसर गए रस और फिर रब का नाम का इन्ना स्वाद आया कि बाकी सारे स्वाद फिक्के ने भुल ही गए साडा तजर्बा नहीं असी कहने शायद इंज है नहीं एवें करदे कबीर साहब उन्हां दा तजर्बा है तो उन्हां नूं जो आनंद आया वह चाहते ने कि सानू भी आवे तो इहदे लई गुरु साहब जिथे सानू हुक्म कर सकते ने जिथे सतगुरु उपदेश कर सकते ने करते ने उत्थे सतगुरु बेनंती भी करते भला गुरु साहब नूं पुछे सतगुरु जी तुहानूं की लोड़ आ लोकां दीआं मिन्नतां करन दी तुसीं को कहिंदे हो नानक बिनवै तिसे सिरे वो जाके जी प्राणा नानक बेनती करदा है उहनूं मालक नूं जिहदे जी प्राण ने उहदा सिमरन करो उसकी याद विच रहो तुसीं क्यों बेनतियां करदे हो तुसीं क्यों तरले मारदे लोकां दे बेनतियां करदे हो सतगुरु कहिंदे होणगे तुहानूं मैं प्यार बड़ा करदा यार ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਬਸਨ ਸਲ ਉਹੜਾ ਆਗੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੋ ਕਿਛ ਤੁਲਹਾ ਬੰਧ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸੁਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1 ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ ਸੁਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 12 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਆਖਦੇ ਨਾ 12 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸੁਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 12 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 12 ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਕੋਈ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ
वो कोई मालिक एक है, साडा वो पिता है, साडी वो माँ है, साडा सब कुछ है, साडा वो डायरेक्टर है जो उस फिल्म नू चला रहा। असी उदियां पुतलियां, माटी दियां पुतलियां असी खेड रही उन्हें चाह रहा, जो मर्जी उसनू मान लो, पर वो है जरूर बाणी आखदी है, इस गल नू मनना पएगा। तो करो बेनती, सतगुरु कहिंदे बेनती करके देख लेने, तैनू शायद तेरे मन च कोई गल आ जाए कि मैं ठीक कहना, मैं तैनू हुक्म कर सकदा, मैं उपदेश कर सकदा, पर तेरे भले लई मैं तेरी मिन्नत भी कर सकदा, तेरी बेनती भी कर सकदा। भुख लग गई संगत टाइम, हाँ जी जरा टाइम दिता घर देने भी दिता होंगे, 9 बजे समाप्ति हो जानी, 9:30 तक आ जाएंगे। इतनी एक बेनतियां प्रवान करनी है जी, आप सरबत संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी बड़ा ही टिकाऊ बख्शते हो, सहज बख्शते हो, साथ बख्शते हो, असीसा देंदे हो, नाल गाउंदे हो, तो इस जगह का अपना ही आनंद है। कोटानकोट शुक्र साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जिन्हां दी पावन बाणी उस मालक दे घर दीआं गल्लां करदी है जिन्हों असी नहीं देखिया, और उत्थे तक सानू पहुँचाउण दी हदायत भी करदी, उपदेश भी दिंदी, बाणी रस्ता भी दसदी है। गुरु कृपा करे साडे मन विच भी रीझ होवे कि असी भी अपने मालक नूं, अपने पिता नूं मिल सकीए, देख सकीए, साडा जी करे कि परमात्मा नूं असी मिलीए, दर्शनां दी प्यास साडे अंदर भी लगी। मान साहिब जी दा बहुत ही धन्नवादी हाँ, बड़ा ही प्यार असीसां दिंदे ने, ढेर सारियां अरदासां भी करदे ने, सतगुरु तंदुरुस्ती बख्शने इन्हां नूं, संत बाबा अजीत सिंह जी और महंत प्रतपाल सिंह जी, जोड़ी परमात्मा बनाई रखे और सानू गुरु नाल जुड़न ते जोड़न दा ये जो यतन करते ने हमेशा करते रहन। आनंद साहब जी का पाठ फिर सतगुरु के चरण अरदास। राम कली महला तीजा, आनंद इको अंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर का पाया सहज सिद्धि मन दिया बताया, राग रतन परवार परियां शब्द गावने आया, शब्दों का गाओ हरि केरा मन की बसाया, कह सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल, हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार रो करे तेरा हाथ सब सवारना, सबना कला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहना मन तेरे सदा रो हर नाल, साचे साहेबा क्या नहीं करते रह, सदा सुख सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसया जे सुख कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते है, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाए, कर शांत सुख मन आयो सया जिन इच्छा सब बनाई, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दिए शब्द वाजे कला जित कर पारिया, पंच दूत तुदवस कीते काल कंठ कुमारिया, तू कर्म पाया तुजन कौ से नाम हर के लागे, कह नानक कष्ट हुआ करे न रवाजे, अनंत सुनो अड़ पार
दुख रोग संताप तरे सुनी सच्ची वाणी संत साधन भए सच्चे पूरे कुते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिन मत नानक जन लागे बाजे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत् महत वाहे गुरु जी का खालसा वाहे।